वेलकम बैक गाइस, दिस इज़ मंजू कुमारी और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बिगिनिंग फॉर लर्निंग में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि पता ही है आपको गाइस, मैं फर्स्ट वीडियो में मैंने हम ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट किया है, जिसमें मैंने एट प्लैनेट्स के बारे में आपसे सारा डिस्कस किया हुआ है। तो और फर्स्ट चैप्टर में एट प्लैनेट्स को छोड़कर और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं सीटेट के पेपर में, तो अभी हम वो डिस्कस कर लेते हैं जो और चीज़ थी। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे खगोलीय पिंड की, जिन्हें इंग्लिश में जो है वो सेलेस्टल बॉडीज़ कहा जाता है। सेलेस्टल बॉडीज़ यानी खगोलीय पिंड। तो सबसे पहले आपको समझना ज़रूरी है कि खगोलीय पिंड क्या होते हैं या सेलेस्टल बॉडीज़ क्या होती हैं। तो जो आसमान में सारी चीज़ें चमकती हैं उन्हें सेलेस्टल बॉडीज़ कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम कर सकते हैं सन, वो भी चमकता है, उसकी लाइट होती है, मून भी चमकता है। ठीक है, तो ये सेलेस्टल बॉडीज़ हैं जो भी चमकती हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे सेलेस्टल बॉडीज़ टू टाइप्स की होती हैं। ठीक है, एक तो वो सेलेस्टल बॉडीज़ जिनकी अपनी लाइट होती है, अपनी एनर्जी, अपनी ऊष्मा होती है, और एक वो सेलेस्टल बॉडीज़ होते हैं जिनकी अपनी लाइट नहीं होती है, वो दूसरे जो स्टार्स वगैरह होते हैं उनसे अपनी लाइट लेते हैं। ठीक है, जैसे जिनकी अपनी लाइट होती है उन्हें बोला जाता है स्टार्स। ठीक है, और जिनकी अपनी लाइट नहीं होती है, जो दूसरों से लाइट लेते हैं, स्टार से लाइट लेते हैं, ठीक है, ऊष्मा जिन्हें प्राप्त होती है दूसरे जो स्टार्स होते हैं उनसे, उन्हें प्लैनेट्स कहा जाता है। ठीक है, स्टार्स यानी वो सेलेस्टल बॉडीज़, वो खगोलीय पिंड जिनकी अपनी लाइट होती है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सन। ठीक है, सन की अपनी लाइट है, और प्लैनेट्स वो सेलेस्टल बॉडीज़ होती हैं जिनकी अपनी लाइट नहीं होती है, जैसे हमारे एट प्लैनेट्स जो हैं, यानी हमारे जो आठ ग्रह हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है। और एक बात और आपको याद रखनी है कि ये जो प्लैनेट शब्द है वो ग्रीक भाषा से निकला है। ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज आप कह सकते हैं, और ग्रीक लैंग्वेज का एक शब्द है प्लैनेटाई। प्लैनेट आई से प्लैनेट बना है। ठीक है, और प्लैनेट आई का मीनिंग होता है चारों ओर घूमना, जैसे कि तभी हम हमारे प्लैनेट्स जो हैं वो आपको पता है कि सूर्य के चारों ओर जो है वो चक्कर लगाते हैं, तो प्लैनेट आई शब्द का मतलब ही होता है चारों ओर घूमना, इसलिए प्लैनेट आई से ही प्लैनेट शब्द जो है वो बना है। तो आपसे यहाँ कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप इतना याद रखेंगे। अब आगे हम बात करते हैं, शायद आपने नक्षत्र मंडल जो है वो सुना होगा कहीं, अगर आपने ज्योतिषी वगैरह को टीवी पे या कहीं और देखा तो वो जरूर नक्षत्र मंडल जो शब्द है उसको प्रनाउंस करते हुए आपने सुना होगा। तो नक्षत्र मंडल को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टेलेशन। ठीक है, कॉन्स्टेलेशन यानी नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल क्या होता है? नक्षत्र मंडल होता है, जैसे आपने आसमान में रात को देखा होगा स्टार्स जो है वो कई अलग अलग तरह की फिगर्स बनाते हैं। ठीक है, तो स्टार्स के द्वारा जो फिगर्स बनाई जाती हैं उन्हें ही नक्षत्र मंडल या कॉन्स्टेलेशन कहा जाता है। ठीक है, हम लिख सकते हैं फिगर्स यानी आकृतियां, फिगर्स मेड बाय स्टार्स। ठीक है, यानी जो स्टार्स के द्वारा फिगर्स बनाई जाती हैं, आकृतियाँ बनाई जाती हैं, उन्हें कॉन्स्टेलेशन कहा जाता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है कि हम सबसे बड़ा नक्षत्र मंडल कौन सा है, तो वो है बिगवियर। ठीक है, बिगवियर, बिगवियर को आर्सा मेजर भी कहा जाता है, आर्सा मेजर भी इसे कहा जाता है, और हिंदी में इसको बिगवियर और आर्सा मेजर ही कहा जाता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा हमारा जो है वो नक्षत्र मंडल है। तो अब हम बात करेंगे सप्तऋषि की, शायद आपने कभी सुना होगा। ठीक है, सप्तऋषि जो है इसके नाम से ही पता चल रहा है, सप्त का मतलब होता है सेवन, यानी जो सप्तऋषि होता है वो सात स्टार्स से बनाई हुई एक फिगर होती है। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ बना के बताती हूँ कैसी होती है फिगर, ऐसे इसमें सेवन स्टार्स होते हैं और ये सेवन स्टार से मिलकर जो है वो सप्तऋषि बनता है, और ये बिग बियर का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, और सप्तऋषि के हेल्प से आप पोल स्टार यानी ध्रुव तारा का जो है उसकी भी पता कर लगा सकते हैं कि कौन सा ध्रुव तारा है। इसके ये वाला जो स्टार होता है कॉर्नर में, इसके बिल्कुल ऐसे सीधे देखेंगे तो यहाँ पर जो स्टार होता है वो पोल स्टार होता है। ठीक है, यानी ध्रुव तारा होता है,
इसकी सप्तऋषि की मदद से आप इसका पता लगा सकते हैं। और पोल स्टार जो है वो स्टेबल होता है, मतलब अब स्थिर होता है, ठीक है, वो अपनी जगह नहीं बदलता है दूसरे स्टार्स की तरह, और बाकी स्टार जो है वो अपनी जगह बदल लेते हैं। और एक और बात की पोल स्टार हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन दिखाता है, यानी उत्तर दिशा का हमेशा इससे ज्ञान होता है, ठीक है। जैसे कि पुराने समय में इससे बहुत पता किया जाता था, मतलब पोल स्टार से। अगर आप डिस्कवरी पर कभी बेयर ग्रिल्स का शो देखें, मैन वर्सेस वाइल्ड, तो उसमें हमेशा वो पोल स्टार के बारे में बताता है, आसमान में इससे डायरेक्शन का पता लगाता है, ठीक है। तो अभी ये वाले कंसेप्ट आपके मुझे लगता है कि हो गए होंगे क्लियर। तो अब हम बात करेंगे मेटेरॉइड्स और एस्टेरॉइड्स की, ठीक है। एस्टेरॉइड्स जिन्हें हिंदी में बोलते हैं शुद्र ग्रह। देखो शुद्र का मतलब होता है छोटा, यानी छोटे जो प्लैनेट्स होते हैं वो एस्टेरॉइड्स होते हैं। ये जैसे हमारे जो 8 प्लैनेट्स हैं वो सन के और चारों ओर ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है, वैसे ही ये छोटे छोटे प्लैनेट्स भी सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और ज़्यादातर ये जो हमारा मार्स होता है यानी मंगल ग्रह है, और जो जुपिटर बृहस्पति ग्रह है, उसकी जो कक्षाएँ हैं यानी ऑर्बिट जो है, ठीक है, इन दोनों की, मंगल ग्रह और जुपिटर की जो ऑर्बिट है यानी कक्षाएं हैं, उसमें आपको ये देखने को मिलते हैं, मतलब उसमें पाए जाते हैं ये शुद्र ग्रह। छोटे छोटे जो प्लैनेट्स हैं इन दोनों की ऑर्बिट यानी कक्षाओं में मिलेंगे देखने को, ठीक है। अब इसी की तरह एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो आपने डिस्कस करनी है हमने यहाँ पर, वो है मेटेरॉइड्स, उल्का पिंड। शायद कभी आपने सुना होगा, जैसे आपने वो तो देखा ही होगा टूटता तारा, वो उल्का पिंड होता है एक्चुअली में। उल्का पिंड इनको इंग्लिश में बोलते हैं मेटियोराइड्स, ठीक है। उल्का पिंड क्या होते हैं एक्चुअली में, ये पत्थर के छोटे छोटे जैसे टुकड़े होते हैं, ठीक है, जैसे जो पत्थर वगैरह हो गए उनके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जो कि हमारे सौरमंडल में पाए जाते हैं। ये भी चारों ओर वहाँ घूम रहे होते हैं, और ऐसे ही चक्कर लगाते लगाते ये पृथ्वी की तरफ भी आते हैं। बट पृथ्वी पर गिरने से पहले ही क्या होता है कि क्योंकि यहाँ पर आपको पता है एयर की एक लेयर है, मतलब वायु है यहाँ पर, तो वायु से यानी एयर से क्या करते हैं ये घर्षण कर जाते हैं, ठीक है, फ्रिक्शन कर जाते हैं ये वायु के साथ में, जिससे क्या फ्रिक्शन के साथ घर्षण करने से वायु ये जल जाते हैं और पृथ्वी पर आने से पहले ही जलकर नष्ट हो जाते हैं। तो बट कभी कभी क्या होता है कि पूरी तरह से नहीं जल पाते हैं तो पृथ्वी पर गिर जाते हैं, जैसे हम कभी देख के बोलते हैं फिर को टूटता तारा से हमें नज़र आता है, तो एक्चुअली में पत्थर के टुकड़े ही होते हैं जिससे पृथ्वी पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे से बन जाते हैं। अगर आपने कभी डिस्कवरी चैनल देखा होगा तो वहाँ आप देख सकते हैं कि वो दिखाते हैं कि पृथ्वी पर हमारी कई जगह पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे बने होते हैं, वो उल्का पिंड की वजह से ही बने होते हैं ये पत्थर के टुकड़े पृथ्वी पर जब गिर जाते हैं। तो इसमें अब हम एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, मून यानी चांद के बारे में। तो सबसे पहले तो इसकी डिस्टेंस यानी दूरी कितनी है हमारी पृथ्वी से, ठीक है, वो बात करेंगे हम। तो ये है 384,400 किलोमीटर, ठीक है, ये इसकी डिस्टेंस है हमारी अर्थ से, ठीक है। और दूसरा पता है आपको कि ये हमारी जो पृथ्वी है उसका उपग्रह है, ठीक है, पृथ्वी का उपग्रह है जिसे हम सैटेलाइट बोलते हैं इंग्लिश में। कि जैसे अगर क्वेश्चन आ जाए कभी कि पृथ्वी के कितने सैटेलाइट हैं, तो जस्ट एक सैटेलाइट है, वो है मून, ठीक है। और दूसरी एक बात है कि आपको पता ही है जैसे ये हमारी अर्थ है तो इसके चारों ओर ये चक्कर लगाता है, ठीक है, ऐसे चक्कर लगाता है, तो कितना टाइम लेता है ये पृथ्वी के चारों ओर अगर इसने चक्कर लगाना है, ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर, तो ये 27 डेज का टाइम लेता है। और तो आपको पता ही है जैसे सारे जो प्लैनेट्स होते हैं वो अपनी एक्सिस पर भी घूमते हैं, तो ये वाला जो मून ये सैटेलाइट जो है ये भी अपनी एक्सिस पर घूमता है, तो ये अपनी एक्सिस पर घूमने में भी उतना ही समय लेता है, मतलब 27 डेज का ही टाइम जो है ये लेता है। और इसी वजह से क्योंकि इक्वल टाइम ले रहा है, पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में भी 27 डेज का टाइम लेता है और अपने एक्सिस पर भी घूमने में यानी अपने अक्ष पर घूमने में भी 27 डेज का टाइम लेता है, इस वजह से ही हम चांद का सिर्फ एक ही हिस्सा जो है वो देख पाते हैं, यानी वन साइड ही हम उसका देख पाते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन, ठीक है। और आपको यहाँ क्या आता है कि बुक में अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी की बुक, उसमें साइड में बॉक्सेस में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी होती है, वहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे ये है कि चांद पर पहला पैर रखने वाला यानी कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने पहला स्टेप रखा चांद पर, तो वो है नील आर्मस्ट्रांग,
यूनिवर्सिटी के ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चांद पर पहला पैर रखा था, और अगर आप सन याद करना चाहते हैं तो है इसकी 20 जुलाई 1969। ये अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो ये पूछा हुआ है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग मतलब ऐसे एक व्यक्ति थे जिन्होंने चांद पर पहली बार पैर रखा था, कौन से सन में रखा था, तो ये वहाँ ये ऑप्शन में दिया हुआ था, तो ये आप भी याद कर लें, ठीक है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। एक और वो ज़रूरी बात है, वो है कि लाइट कितनी रफ्तार से ट्रैवल करती है, ठीक है, कितनी मतलब स्पीड से जाती है, तो उसकी है 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ट्रैवल करती है ये लाइट, और इतनी मतलब इतनी फास्ट है, इतनी तेज़ी से ट्रैवल करती है, यात्रा करती है, यहाँ तक कहीं भी जाना है लाइट ने, मतलब जैसे वायर वगैरह में भी होती है या सनलाइट पृथ्वी पर आती है, इतनी रफ्तार से करती है। इसके बावजूद भी सनलाइट को पृथ्वी तक पहुँचने में 8 मिनट का समय लग जाता है, इतनी रफ्तार के बावजूद। इससे पता चलता है कि पृथ्वी सन से काफ़ी ज़्यादा दूर है, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। और आप ऐसे भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जियोग्राफी का मतलब क्या होता है, जियोग्राफी देखो ग्राफी का मतलब होता है लिखना, जियो का मतलब होता है पृथ्वी, ठीक है, राइट करना लिखना जियो का मतलब, और इसका होता है अर्थ ग्राफी का, तो इसका मीनिंग होता है कि पृथ्वी के बारे में लिखना, इसका मीनिंग हो जाता है, ठीक है। और एक और आता है जियोलॉजिया, जियोलॉजिया का मतलब क्या होता है, यानी पृथ्वी का अध्ययन करना, ठीक है, लॉजिया का मतलब होता है अध्ययन करना यानी स्टडी करना, यानी पृथ्वी की स्टडी करना इसका मतलब होता है, ठीक है। तो आज के इस चैप्टर में जो भी रह गया था हमारा जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर में जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रह गई थी वो आज मैंने करवा दी है, और प्लैनेट्स के बारे में डिटेल में मैंने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, तो आप उसके लिए मेरा फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइज, आपके सपोर्ट और आपके मोटिवेशन की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ मुझे इस तरह से सपोर्ट करें, मोटिवेट करें, और आपके सारी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको वीडियो में प्रोवाइड करती रहूंगी। अगर आपको मेरा वीडियो यूजफुल लगता है, लगता है आपको किसी तरह कोई बेनिफिट हुआ है, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।